मायावती तो अकेली थी और कुछ भी नहीं आता था, आज तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अनेक हैं। हाँ। आप देखिए सही। हाँ। अनेक एक नाम आपके कुछ दिमाग? अरे बहुत, मैं हूँ। हाँ। मायावती सीनियर हूँ मैं 3 साल। बताइए मुझे, कोई बताइए, कोई दाग धब्बा हो तो बताइए। लेकिन पार्टी नहीं चल रही उनसे। पार्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। दिल्ली में 4 MLA 17 काउंसलर होते थे, यूपी में 4 बार 7 आई, अब क्यों नहीं आ रही? अगर तो कहीं गड़बड़ है, कहीं गड़बड़ है ना। हाँ। और जनता में गड़बड़ नहीं होती कहीं, वही जनता थी जिन्हें 4 बार जिताया। जनता तो वही की वही है। इसका मतलब ये है हमारी अंदर कमी है, हम उनको समझा नहीं पा रहे, हमारी नीतियाँ उनको पसंद नहीं आ रही। मतलब साफ तौर पर आप चाह रहे हैं कि नेता बदले, लीडर बदले, बहुत जरूरी है BSP में नेता बदलना, बहुत जरूरी है, नहीं तो BSP खत्म हो गई है। महासभा के नेताओं को बदलो, पार्टी के नेताओं को बदलो, जब उनसे काम नहीं चल रहा। जो कह रहा 85 नहीं जुड़े तो निकम्मे साले, समाज को गाली दे रहे हैं आप। आप ये कहिए कि मेरे से नहीं जुड़ रहे, मैं इस काबिल नहीं हूँ, भाई दूसरा आदमी आ जाए। भाई पार्टी और संगठन और गाड़ी की ड्राइविंग सीट ये तो बदलती रहनी चाहिए ना यार। 85 बिखर गए तो मैं नेता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा काम है उनको 85 को जोड़ना, तो 85 तो मैंने जोड़ नहीं पाए, 15 जोड़ दूंगा मैं फिर। हमें 85 जोड़ने हैं, हमें 85 से ही राज होगा हमारा। ये सर्वजन का जो नारा है ये पब्लिक इसको पसंद नहीं कर रही है। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। कहाँ से आया? मैं विकासपुरी विधानसभा से आया हूँ और जो आज रैली है उसमें शामिल होने के लिए आए हैं। तो रैली जो निकाली जा रही है, आज वर्षा फिर से शुरू हो चुकी है, रैली आ रही है अभी भी। हाँ। तो क्या कुछ संदेश क्या दोगे पहले तो ये बताइए। रैली का संदेश ये है, हाँ, हमारे महापुरुष का निर्माण हुआ था। हाँ। तो हम लोगों को रैली निकाल कर ये याद दिलाना चाहते हैं कि आज इतने बड़े महापुरुष का जन्मदिन है, वो निर्वाण दिवस है, इतने लोग उनके चाहने वाले हैं, उनके मिशन के साथ इतने लोग हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं। ठीक है ना सर? और रैली हो रही है आज, बड़ी सफल होगी और ये कार्य आगे बढ़ता रहा तो देश पर ये पार्टी एक दिन राज करेगी, अगर हम अपने मिशन पर कायम रहे तो। हमारा मिशन जो है, बैंक जो है बहुजन समाज का, वो पहले से भी कम हो गया है, वो कुछ हमारी भी कमियाँ हैं, हम तो कैसे इन कमियों को कैसे दूर किया जाएगा, क्या कमियों को हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन पर ही रहेंगे। हाँ। तो हमारा वोट कहीं नहीं जाएगा। हाँ। और हम दूसरों की बात करेंगे तो फिर हम मिशन की बात तो कांग्रेस भी करती है। नहीं, कांग्रेस नहीं करती है, करती है तमाम रैलियों में उनके कार्यकर्ता करते हैं। वहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात कोई नहीं करता है, केवल हम ही करते हैं। अच्छा, जो लोग बहुजन समाज पार्टी से निकल चुके हैं तो उनको वापस लाने का कोई प्रयास? अब ये तो बड़े नेता करेंगे, लाना चाहिए, बिना जो सब लोगों के करता है, सब लोगों के जोड़े बगैर तो कुछ नहीं हो सकता है। हाँ। बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठकर कुछ नहीं होगा जब तक लोग वोटर नहीं होंगे। हाँ। और वोटर आता है आइडियोलॉजी से, आइडियोलॉजी आपको रखनी पड़ेगी। हाँ। ये सर्वजन का जो नारा है ये पब्लिक इसको पसंद नहीं कर रही है। लोग बहुजन के नारे को ही पसंद कर रही है, इसलिए लोग चले गए, हमारे ही तो साथी थे वे। हाँ। आज आम आदमी पार्टी बनी है वो हमारा ही वोट गया सारा। अगर हमारा वोट अपनी जगह इंटैक्ट होता तो आम आदमी पार्टी का जन्म ही नहीं होना था। हाँ। तो नेताओं को सोचना पड़ेगा ये कि हम बाबा साहब के रास्ते से भटके नहीं, बाबा साहब के रास्ते पर ही रहें। हमें 85 जोड़ने हैं, 85 से ही राज होगा हमारा, सबसे नहीं होगा। जिस नारे की बात कर रहे हैं हम सर्व समाज की, तो दिल्ली के अंदर भी तो वही नारा काम किया था। सर्व समाज कभी काम नहीं करेगा। हाँ। कभी नहीं करेगा, उसका रिजल्ट है कि एक MLA आया यूपी में 403 में। हाँ। सर्व समाज की वजह से आया। हाँ। जब बहुज समाज का नाम करो आप। हाँ। अगली बार वही MLA आ जाएंगे तो राज करेंगे हम। 15 को क्यों जोड़े हम, 85 क्यों नहीं जोड़े? 85 तो बिखर चुके हैं, कहाँ से? हर तो जब कैसे बिखर गए, हम क्या कर रहे हैं फिर, हम क्या कर रहे हैं फिर? 85 बिखर गए तो मैं नेता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा काम है उनको 85 को जोड़ना, तो 85 तो मैंने जोड़ नहीं पाए, 15 जोड़ दूंगा मैं फिर। ये कौन सी बात हुई कि 85 नहीं जुड़े मेरे से, वो तो बेकार हो गए, लेकिन 15 जुड़ जाएंगे, वो तो दुश्मन है हमारे, वो तो कभी नहीं जुड़ेंगे। 85 ही जोड़ना है, अगर मेरे से नहीं जुड़ रहे तो मैं साइड हो जाऊँ, इनको जिम्मेदारी दूँ, आपको जिम्मेदारी, आप जोड़ो जी, जोड़ने 85 ही पड़ेंगे, राज तो 85 का ही चलेगा। ठीक है ना, 15 हमें क्यों चाहिए? 15 वोट डलेंगे, एक जगह डल जाए हमारी 85 डलेंगे तो हम राज करेंगे, हमेशा राज करेंगे। तो मैं तो यही कहता हूँ, कोई माने नहीं माने, लेकिन जब तक हम अपने नारे पर नहीं रहेंगे, अपने 85 को जोड़ना है हमको। अगर 85 खराब हैं तो वे 15 बढ़िया कहाँ से आ गए, वे तो हमेशा ही खराब है, उन्होंने तो हमें इस हालत में कटोरा थमा दिया। 15 नहीं तो कटोरा थमाए हमें 15 का ही तो राज चल रहा है वो। तो हमें देखना ये है कि हम अपने मिशन पर रहें, हम बरगलाए नहीं किसी के कहने बहकाए में, हमें 85 को ही जोड़ना है।
अच्छे अच्छे कहाँ से लाएं, खराब को ही जोड़ना है हमें, उनको अच्छे बनाना है। उन खराब ने ही केजरीवाल को सत्ता दिला दी जिनको हमने खराब समझा। अच्छा, हमने को जोड़ने के लिए कदम भी उठाया जा रहा है, जो सपना था बाबा साहब का बुद्धिस्ट भारत बनाने का, ये अच्छी बात है। बाबा साहब ने कहा था कि समाज परिवर्तन सबसे पहले जरूरी है राजनीतिक परिवर्तन से। अगर सब लोग बुद्धिस्ट ही हो गए तो फिर कहीं जाएंगे ही नहीं वोट देने। इसलिए मैं कहता हूं, जो हमने भी 2001 में 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म कन्वर्जन हमने ही पहला किया था। मैं ओम प्रकाश सिंह मार हूँ, राष्ट्रीय महासचिव हूँ परिसंघ का, और 2001 में हमने पहले ये किया था। ये होते रहना चाहिए, कोई भी करे अच्छी बात है। जब सब बुद्धिस्ट हो जाएंगे, एक दिन सब बुद्धिस्ट हो जाएंगे तो हम एक ही आदमी एक ही जाति हो गए, हमारा प्यार होगा, हम जहाँ जाएंगे एक जगह जाएंगे, फिर हमें फूट भी नहीं पड़ेगी। ये अच्छी बात है, होनी चाहिए। पर बड़ी बड़ी महासभाएं तो कांग्रेस जैसी पार्टियों को समर्थन देती हैं अपना। वो एक आदमी वो महासभा नहीं देती, महासभा में जो महासभा नहीं देती, महासभा में जो गलत आदमी नेता बना दिए जाते हैं वो समर्थन देते हैं। जो महासभा में या किसी भी पार्टी में, पार्टी या संगठन खराब और अच्छे नहीं होते, उनके नेता अच्छे और खराब होते हैं। उनके नेताओं का बिक जाना, उनके नेताओं का स्वार्थ सिद्ध होना, वो अलग बात है, मिशन अलग है। महासभा के नेताओं को बदलो, पार्टी के नेताओं को बदलो, जब उनसे काम नहीं चल रहा। जो कह रहा 85 नहीं जुड़े तो निकम्मे साले, समाज को गाली दे रहे हैं आप। आप ये कहिए कि मेरे से नहीं जुड़ रहे, मैं इस काबिल नहीं हूँ, भाई दूसरा आदमी आ जाए। भाई पार्टी और संगठन और गाड़ी की ड्राइविंग सीट ये तो बदलती रहनी चाहिए ना यार, ये तो बदलती तभी तो चलेगी। तो इस पर आइए आपके भाई लोगों, लोग से मेरे से काम नहीं चल रहा, तो इनको दे दीजिए जिम्मेदारी। इनसे लोग कहेंगे इनसे तो होगा ही नहीं, तो इनको भी बदल देंगे भाई। अच्छा, आप चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में बदलाव हो? बदलाव हो, बहुत जरूरी बदलाव हो, जब उनसे संभल नहीं रहा। किसको देखते हैं फिर अगला नेता? बहुत हैं, बहुत हैं। मायावती तो, मायावती तो अकेली थी और कुछ भी नहीं आता था, आज तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अनेक हैं। आप देखिए सही, अनेक। एक नाम आपकी कोई? अरे बहुत, मैं हूँ, मैं जो सीनियर हूँ मैं 3 साल, बताइए मुझे, मैं कोई बताइए, कोई दाग धब्बा हो तो बताइए। ऐसे मैं ये नहीं कर रहा मैं ही बनूँ, लेकिन मेरे जैसे बहुत हैं, अब कोई कमी नहीं है। देखिए आप कोई, जब मायावती को लिया था इंटरव्यू थोड़ा लिया था, ले लिए उनको, सफल बनाई जनता ने, सफल बनाती है जनता, और लीडरशिप बनाती है, जनता को जोड़ने का काम करती है। लीडरशिप का काम है जनता को जोड़ना, और जनता को फिर कंधे पर उठा लेती है, किसी को उठा लेगी। आपको बना दें और आप ईमानदार हों, मिशन को लेकर चलें, तो आप ही नेता बन जाएंगे। नेता बनाए नहीं जाते, आके यहाँ खड़ा किया जाते हैं, लोग उनको सपोर्ट करते हैं, वो आइडियोलॉजी बताता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं 15 नहीं चाहिए बिल्कुल ही, हमें तो 85 चाहिए भाई, और 85 राज करेंगे हम, तो आएंगे हमारे 85 कहाँ जाएंगे फिर? अगर हम 85 को मैं जोड़ नहीं पा रहा हूँ तो ये मेरी कमी है, 85 की कमी नहीं है। 15 जोड़ने चला गया मैं, जो दुश्मन है हमारे, हमारे लिए तलवार लिए बैठे। पर 85 में से काफ़ी परसेंट ऐसे हैं जो मानते नहीं अपने आप को। सर मानते नहीं, हमने उन्हें समझाया नहीं है, हमने उन्हें समझाया नहीं है, हमने उन्हें अपनी आइडियोलॉजी नहीं समझाई, हम उनके घर तक नहीं गए, हम उन तक गए नहीं कभी। जब हम ब्राह्मणों के घर जा सकते हैं तो उनके क्यों नहीं जा सकते? पहले हमें अपना कुनबा इकट्ठा करना चाहिए, मेरा ये, अगर हमें राज करना है तो, और नहीं तो देखो ऐसे करते रहेंगे। एक दो दो, कोई दिल्ली में कोई एमएलए काउंसलर नहीं है, किसी भी स्टेट में नहीं है, यूपी में एक है, ऐसे पार्टी नहीं। हमें चाहता है राज, हम चाहते हैं राज करें। आप लोग एमएलए बने, एमपी बने, राज करें, ये नहीं है खाली झंडे लेके घूमते रहे हम। अच्छा, बड़ी बड़ी पार्टियों में अभी भी दलित समाज के काफ़ी बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, उसके बावजूद काम नहीं करते। वो यहीं से गए हैं, वो यहीं से गए हैं, सारे लोग बीजेपी में जो यहीं से गए हैं, पहले यहाँ थे वो, जब यहाँ से निकाल दिया गया उनको, यहाँ के नेताओं ने निकाला उनको और बीजेपी में भेज दिया उनको, तो वे क्या करें, कहीं तो जाएंगे ना। आप मुझे यहाँ से निकाल दोगे, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा क्या? तो वे लोग यहीं से गए हुए, वो यहीं के लोग हैं, मिशन के ही लोग हैं वे। अब बेचारे हुए, उनका बेइज्जती होगी, दुर्गति होगी, तो कहीं ना कहीं चले जाएंगे। उनको बुलाइए सबको, भाई हमारा काम है, मैं नेता बनता हूँ तो मेरा काम है जोड़ना है, जोड़ने से ही मैं नेता कहलाऊँगा। और मैं अगर पार्टी नहीं चला पा रहा तो मैं नेता किस बात का, फिर बताओ ना। मायावती जी को मैं, मेरी कोई उनसे व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन पार्टी नहीं चल रही उनसे। पार्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, दिल्ली में 4 MLA 17 councillor होते थे, यूपी में 4 बार सत्ता आई, अब क्यों नहीं आ रही? अगर तो कहीं गड़बड़ है, कहीं गड़बड़ है ना। और जनता में गड़बड़ नहीं होती कहीं, वही जनता थी जिन्होंने 4 बार जिताया, जनता तो वही की वही है। इसका मतलब ये है हमारी अंदर कमी है, हम उनको समझा नहीं पा रहे, हमारी नीतियाँ उनको पसंद नहीं आ रही। मतलब साफ तौर पर आप चाह रहे हैं कि नेता बदले, लीडर बदले, बहुत जरूरी है। बीएसपी में नेता बदलना बहुत जरूरी है, नहीं तो बीएसपी खत्म हो गई है। आप देख लो, जो दिल्ली में रहने वाले, अपने अपने स्टेट की बात कर लो आप ना, कहाँ थे हम? जब दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा ऐसा लगता था बीएसपी है दिल्ली के अंदर, ऐसा माहौल बना हुआ था दिल्ली में। चंद्रशेखर को लेना जरूरी था क्या उसमें?
किसमें? मतलब बहुजन समाज पार्टी में चंद्रशेखर को जोड़ लेना चाहिए था मायावती जी को। जोड़ लेती तो अच्छा था, जोड़ लेती तो अच्छा था, कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर को भी चाहिए कि भाई जुड़े वो। हाँ। वो भी ऐसा ही है, वो भी कहाँ कह रहा मिशन कहाँ उसका भी। हाँ। उसका भी मिशन मिशन नहीं है। देखिए, आम जनता को जोड़िए, आप नेताओं को छोड़िए, नेता तो इनमें से ही बन जाएंगे, आप में से नेता बन जाएंगे। आम जनता को लाकर ट्रेंड करिए, उन्हें मिशन समझाइए और जो अच्छा काम करो उसे आगे कर दीजिए, यही चलेगा। बिना लीडरशिप चेंज करे अब बीएसपी नहीं चलेगी, अब तो चलना ही है।